राहुल ये गाड़ी तेरी है? धुली हुई है ना, तो बोल रहा हूँ बहुत जल्दी मैं इसको लेके रिव्यू बनाने वाला हूँ। और मैं बैठूंगी ड्राइवर की सीट पे। और मेरा स्टीयरिंग किधर गया? हाउ आर यू? जा रहे हैं मेरे बाल बाल थोड़ी जो घास जंगल ये सब उड़ा है ना ये हटाने के लिए। और मैं चला रहा हूँ आज बिंदिया की गाड़ी। मुझे रियलाइज हुआ कि गाड़ी बहुत अच्छी है और मुझे इसका रिव्यू करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है गाड़ी बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं इंडिया में, टाटा टियागो है ना। ऑल ऑफ सडन इस गाड़ी की सेल इज लाइक ऑन टॉप। जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अच्छी और बुरी बातें मुझे आपको भी शेयर करनी चाहिए। मुझे बताओ कमेंट्स में क्या आप अगला वीडियो देखना चाहते हो कि मैं इस गाड़ी को रिव्यू करूँ। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आप सबको बतानी चाहिए। और जब ये जंगल उग जाएगा ना उसके बाद मैं थोड़ा ज़्यादा हैंडसम हो जाऊँगा। उसके बाद में आपको मैं क्या हुआ तो डिस्टर्ब क्यों कर रही है? दिख नहीं रहा मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रही है, बदतमीज सी। चलो बाय, मूडी खराब कर दिया, बाद में बात करूंगा। बंद कर दे क्या? देखो गाड़ी के लिए कौन सी ऐसा हो रही है, बदतमीज सी। बाय। पहुंच गए अभी एक मॉल में और भूख से जान निकल रही थी, सुसु इतनी जोर से आई हुई थी, हम लोग सारे सुसु करने भागे सबसे पहले। और अभी हम लोग जा रहे हैं किसी ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, क्योंकि सब कुछ नया नया है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाय द वे हम लोग फिनिक्स मॉल में हैं और कुछ ना कुछ मिल जाएगा, करेक्ट? यस। बड़ा जोर पड़ा इस पे यस बोलने में। क्या हो गया यार इस बंदे को, ये ऐसे आंख पे पट्टी बांध के ऐसे 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 ऐसे, ऐसे क्यों कर रहा है? मतलब पता ना, वर्चुअल रियलिटी वो का होता है भैया, तनिक हमका भी समझाओ। यार पहले खाना ढूंढो। यार एक लॉजिक नहीं समझ में आया मुझे। मॉल का सिक्योरिटी आके बोला कि सर यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन आप फ़ोन का कैमरा यूज़ कर सकते हो, दैट्स ओके। तो अगर आप लोग कोई भी जो रेगुलरली इंडिया में मॉल में जाता है वो लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताओ कि ऐसा क्यों है यार कि तुम लोग कैमरा यूज़ नहीं कर सकते हो लेकिन मोबाइल का कैमरा यूज़ करके कुछ भी कर सकते हो। मुझे लॉजिक ही नहीं समझ आया, पता नहीं क्यों। जगहों पे जैसे कि थाईलैंड में या कहीं पे जो ट्रेडिशनल मंदिर होते हैं या ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे वो लोग बड़े कैमराज अलाउड नहीं करते हैं, समझ में आता है। लेकिन G7X बाय द वे फॉरगेट अबाउट द कैमराज, हम लोग आए हैं चिलीज़ में खाना खाने के लिए और थैंक गॉड हम लोग चिलीज़ में आए क्योंकि मुझे चिलीज़ का खाना इंडिया में बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है? एक्सप्लोजन सैलेड। ये मेरा है, मेरा है। अच्छा मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है, तुम दोनों भी अपनी शक्लें दिखा दो, ये दोनों भी यही मैं अपनी अपनी कॉफी पी रही है कि पूरे इंडिया में ना अभी कोई भी प्लास्टिक के स्ट्रॉज यूज नहीं कर रहा है। दिस इज पेपर। इज इट इन एंटायर इंडिया और ओनली इन महाराष्ट्र? ओनली इन महाराष्ट्र। विच
विच इज एन अमेजिंग थिंग। और दूसरी चीज ये है कि पूरे महाराष्ट्र में कोई प्लास्टिक बैग भी यूज नहीं कर रहा है। ग्रोसरी स्टोर पे जाओगे वो भी आपको प्लास्टिक बैग नहीं देंगे। इवन सुपर मार्केट लाइक बिग बाजार और यू नो समवेयर लाइक दैट दे विल चार्ज यू फॉर प्लास्टिक बैग्स, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है। आई होप ये पूरे एंटायर इंडिया के वर्ल्ड वाइड चले तो हम लोग बहुत 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 सारा प्लास्टिक सेव कर सकते हैं। अच्छा लगता है सब चीज़ें सोच के। बेइज्जती हो गई यार, मैं तो कुछ अच्छा सोच रहा था, दोनों ने मेरा मजाक उड़ा दिया, इसलिए मैं अच्छे काम करता नहीं हूँ ज़्यादा। अगर मेरा हेयर स्टाइल और ये कट वट ये दाढ़ी का स्टाइल पसंद आया तो ये मेरा था, और अगर नहीं आया तो ये इसका आइडिया था पूरा का पूरा। यही है विक्टिम, मेरी वजह से अच्छा दिखता है कभी कभी, ये तो वही आम के पेड़ के नीचे वाला नाई जो होता है ना उससे कटवा के आता है। तेरी वजह से मैं अच्छा दिखता हूँ कभी कभी। वाह बेटा वाह। आज के दिन में मेरे साथ ना दो बार ऐसी सरप्राइजिंग चीजें हुई हैं जिसको मैं देख के सरप्राइज हो गया हूँ। पहली चीज हुई थी वो कैमरा वाली कि तुम मॉल के अंदर कैमरे से फोटो नहीं ले सकते हो, लेकिन हाँ वो तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन कैमरे से नहीं ले सकते हो लेकिन तुम फोन से ले सकते हो। मुझे रीजन नहीं समझ में आया। एनीवेज आप कमेंट्स करके बताने वाले हो क्या रीजन है।